you hi kar do. Hi. Hi Shab. Hi Shab. Good morning. Good morning. Hey yo. Hi. Good morning all. Welcome back to our channel. Hi bol do. Hi. Bye. Kahan ja rahe hain hum cookie? Hum bhi cookie. गोल्डन टेम्पल अमृतसर सो आज हम जा रहे हैं अमृतसर आज लास्ट डे है चंडीगढ़ में कंटिन्यू स्ट्राइट अचानक से प्लान हुआ अमृतसर जाने का यहाँ से पास पापा को दिखा पापा 2-3 hours की ड्राइव है follow this road for 12 kilometers then continue straight अमृतसर गोल्डन टेम्पल दर्शन करके आते हैं जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल सर अमृतसर आए और कुलचा ट्राई नहीं किया तो कुछ नहीं किया तो अभी आए हैं कुलचा लैंड पे अमृतसरी कुलचे का मजा लेते सो यमी तो कुलचा लैंड पे कुलचा खाने के बाद अब हम निकलेंगे कहाँ के लिए मायू गोल्डन टेम्पल हाँ मायू फर्स्ट टाइम जाएगा
ऑल ओवर वर्ल्ड ये इंडिया के टॉप 7 मॉन्यूमेंट्स में से आते हैं। हां उसकी को बता दे, ये देखिए इंडिया के टॉप 7 मॉन्यूमेंट्स में से आते हैं। और यहाँ से शुरू होता है एंट्रेंस एरिया, बहुत ही सुंदर एकदम वाइट संगमरमर का बना हुआ। अभी चारों तरफ का एरिया भी काफ़ी बड़ा कर दिया है, पहले तो एक छोटा सा मार्केट ही था, पूरा अभी काफ़ी अच्छे से बना दिया है। देखिए बेहद खूबसूरत, बहुत ही पवित्र स्थान है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस गुरुद्वारा, इंडिया में ही नहीं बाहर देशों से भी लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। और इतनी क्लीनलीनेस, साफ सफाई कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगी जितना गोल्डन टेम्पल में। हमेशा से सेम वही आते हैं, यहाँ पैर धो के अंदर जाते हैं और हम अपनी छोटी सी परी, छोटी सी गुड़िया मायरा को लेके आए, उसका एक एक कदम इतने पवित्र स्थान पे पड़ा, बहुत मन को बड़ी शांति मिली, बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतना सुकून मिलता है यहाँ आके। हमेशा हम, दिस इज़ अवर फोर्थ और फिफ्थ विजिट टू अमृतसर गोल्डन टेम्पल, और जब भी आते हैं बहुत ही सुकून मिलता है। ये देखिए आ गई मेरी नन्ही सी परी, हाय मायू, और दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ गोल्डन टेम्पल। मन की जो शांति यहाँ के मिलती है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और क्रिस्टल क्लियर वाटर जिसमें मछलियाँ तैरती हुई एकदम साफ दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर नज़ारा, पवित्र स्थान। एक बार आप बैठ जाएं, गुरबानी सुने तो आपका वहाँ से उठने का मन ही नहीं करेगा, घंटों आप बैठ सकते हैं। ऐसी जगह है ये गोल्डन टेम्पल।
अराउंड 6:30 के आसपास हम लोग यहाँ से निकले, और निकलने के बाद पूरा सब चारों तरफ का लाइटिंग ऑन हो गया था, और क्या खूबसूरत नज़ारा ये देखिए आप, चारों तरफ का लाइट जलने के बाद बहुत ही प्यारा मज़ा आ गया दर्शन करके, बहुत ही अच्छा लगा। बेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, नो डाउट।